आप बच्चों, हम लोग क्लास टेंथ का त्रिभुवन की पढ़ जा रहे हैं मैथमेटिक्स में। उसमें इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक चीज देखिए कि त्रिकोण मिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है त्रि माने तीन, कोण मिति माने मापना, यानी किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के द्वारा जो मापन होता है वो तुम्हारा होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का नापना। ठीक, अब इसमें सबसे पहले बात आती है एक त्रिभुज की, त्रिभुज हाँ जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती बिल्कुल। तो आप एक चीज, ये मेरी पूरी क्लास लेक्चर पूरा ध्यान से देखिएगा, एक ही चीज देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको मैं कह दिलाता हूं, बेहतरीन तरीके से आपको आ जाएगा, एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। ठीक, तो प्लीज ये वीडियो आप अंत तक देखिए। त्रिभुज में आपको सिर्फ एक त्रिभुज से पढ़ना है, वो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसी जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों ये क्या होता है समकोण त्रिभुज, क्या होता है इसमें हमको ये चीज पहले पढ़ना पड़ेगा, जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक इसकी समझ में नहीं आएगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज तो एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज में सामने मान लिया ए बी सी, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है यानी कि 90 का होता है, तो उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके दो न्यूनतम कोण होते हैं उस त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। राइट, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसके बाद हम लोग इसमें आवश्यकता पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है क्लास सिक्स के पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एक जो स्टेटमेंट होता है, इसका जो कथन होता है उसको देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका कथन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट होता है, थोड़ा उसको ध्यान दें, क्या कहता है स्टेटमेंट, किसी समकोण त्रिभुज में, इसी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है समकोण त्रिभुज क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, का वर्ग शेष दोनों, शेष दोनों छोटी भुजाओं के, शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के, वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये इसका कथन है पाइथागोरस प्रमेय की, कि किसी समकोण त्रिभुज में
किसी संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। अब प्रश्न उठता है कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती क्या है, तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी भुजा 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है, किसी संपूर्ण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। उस भुजा को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम होता है कर्ण भुजा, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसमें हम इसको जब इंडिकेट करेंगे तब बताएंगे इसको किससे इंडिकेट करते हैं, ठीक ना, कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, वो होती है तीन भुजाएं होती है, तो उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो उसका नाम क्या होता है, पूछ रहा है कि सबसे किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण भुजा। और ये कहां मिलेगा, 90 अंश के सामने, ठीक ना। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या स्टेटमेंट था, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं, सबसे बड़ी भुजा इसमें हो गई इसका वर्ग, यानी कि अगर हम इंडिकेट करें अर्थात सबसे बड़ी भुजा इसे कौन सी हो गई एसी, तो एसी का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात एसी का स्क्वायर शेष दोनों छोटी भुजाओं, अब छोटे कौन सी हो इसमें एबी और बीसी, दो भुजाएं बची तो इसमें एबी भुजा बची और बीसी बची, तो शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के वर्गों शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर बेटा हम लोगों को बन किया गया एसी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल, यानी किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी एसी का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं अर्थात एबी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर के वर्गों के योगफल के बराबर। बात समझ आया, फिर से बात देखते हैं, हम लोग कक्षा 10 की गणित में कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज ये होता है क्वेश्चन की त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, भाई जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कि त्रिकोणमिति होती क्या है, इसे कहते हैं भाई, जो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे पहले उसके बारे में हमको जानना चाहिए क्या होता है। तो त्रिकोणमिति तो शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, त्रि माने तीन, कोण जानते हो, मिति माने मापन, तीनों कोण मापन किसी त्रिभुज की भुजाओं को मापना नापना, ये द्वारा होता त्रिकोणमिति कहा जाएगा दिखाया जाएगा। त्रिकोणमिति क्या होती है, इसमें सबसे पहले आपको देखना था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, बताया गया किसी त्रिभुज में कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, और उसमें बताया गया कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है, यही भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होता है इसका, तो आपको बताया गया किस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इतना क्लियर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।